हेलो एवरीवन, आज है आनंद बाज़ार में। यहाँ पे कुछ सेल लगती है। सेल दैट मीन्स कि साल में कुछ टाइम यहाँ पर कुछ शॉप्स लगती हैं। एक बहुत बड़ा ग्राउंड है वहाँ पे, तो हम वहीं देखने आए थे। ये कुछ फ्लावर्स है, उनका पॉट है, अच्छे थे ये। इसका प्राइस मुझे बता रहे थे, स्मॉल वाले का 200 है, थोड़ा बिग वाले का 300। और जो फ्लावर है वो पर फ्लावर के हिसाब से 50 रुपीज़। और यहाँ पे बहुत सारे हेयर बैंड थे बच्चों के लिए, और बहुत अच्छे लग रहे थे, फंकी फंकी से थे। अभी आगे बताऊँगी, मैंने इधर भी देखे थे कुछ सॉफ्ट। और लेडीज़ों के लिए इयररिंग्स वगैरह, क्लिप क्लचर्स। शॉपिंग तो मैंने कुछ नहीं की, पर हाँ ये सब चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है। मार्केट में क्या नया है, क्या पुराना है। सोच रही थी ये लेने का, पर ये टूट जाता है बहुत जल्दी। आजकल ये झुमके आर्टिफिशियल, ये सब चीजें बहुत चलती हैं। और यहाँ पे विंटर वेयर के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। सॉक्स थे, शूज़ थे, गर्मी में पहनने के स्लीपर्स वगैरह। बट सूरत में इतनी ठंड पड़ती नहीं है, अगर ले भी लो तो एक दो दिन यूज़ होगा एंड देन उसके बाद कोई यूज़ नहीं रहता है। मेनली यहाँ पर लेडीज़ वेयर के लिए ज्वेलरी वगैरह की बहुत सारी शॉप थी, 2 या 3, उससे ज़्यादा शॉप थी, 3 to 4। और पर अच्छी वैरायटी अच्छी थी। अगर आप कुछ नया लेना चाहते हो तो यहाँ आके ले सकते हो। बैंगल्स भी थी और इयररिंग्स थे, नेकलेस थे, चेन थी, वो सारी चीज़ें। इधर कुछ गाउन्स वगैरह थे। और हम लोग गए थे, एक्चुअली बारिश बहुत हो रही है सूरत में, तो ये सब जगह खाली था। और अच्छा है, इसी बहाने मुझे वीडियो बनाने का मौका मिल गया, अदरवाइज यहाँ पे भीड़ बहुत रहती है। बच्चों के नाइट वेयर थे, और ये सैंडल स्लीपर्स। एक्चुअली ये राजस्थानी जूती और मोजड़ी होती है ना, ये होती है। मैंने पहले एक बार यहाँ से ली थी, अच्छी क्वालिटी की थी। और एक बार मैं राजस्थान गई थी, वहां से भी ली थी, उसकी क्वालिटी थी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी इनकी थी। और यहाँ हम लोग देखने लगे थे कुछ मुकवास वगैरह। हम लोग यहाँ से मुकवास लेते ही हैं हर बार जाते हैं, तो क्योंकि खाना अच्छा लगता है हम लोगों को, तो कोई ना कोई सा नया फ्लेवर ऐड करके लेते ही हैं। और बहुत सारी शॉप्स थी मंदिर के लिए, जैसे कि अगर पूजा का कुछ सामान लेना हो आपको, भगवान के कपड़े वगैरह, तो वो भी है। पर यहाँ सूरत में भी बहुत सारी शॉप्स है उसकी, तो लोकल मार्केट में अगर आपको जानते होंगे तो बड़ौदा मार्केट में। ठीक था ये, इतना खास नहीं था, मगर ओके ओके था। यहाँ हम लोग कॉटन की साड़ी देखने लगे थे, एंड देन वापस इयररिंग्स, चेन, क्लचर, बैंगल्स। और ये लास्ट में निकलने वाले भी जगह थी, वहाँ से ये पूरा राउंड था, तो वापस हम वही पॉट वाले की शॉप पे आ गए थे। मुझे ये पॉट लेने थे, बट ये कुछ थोड़ा कॉस्टली दे रहे थे। बेल्ट्स, मेंस बेल्ट्स और वॉलेट्स भी थे, अच्छी रेंज थी यहाँ पर वॉलेट और बेल्ट की। और यहाँ, हाँ यहाँ फ्लेवर वाली चिप्स मिल रही थी, तो यहाँ से मैंने सिंपल अपने बेबी के लिए लिया था, जो फीकी वाली होती है, वो राइस की भी थी। और यहाँ 500 में 3 विंटर वेयर थे,
लेडीज वेयर टॉप, पोचो और श्रग्स ठीक थे, बट इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ये पेंटिंग की शॉप हमेशा यहीं पे रहती है और मैं हमेशा सोचती हूँ यहाँ से लूँगी पर नहीं ले पाती हूँ। अच्छी पेंटिंग थी, डेकोरेशन के हिसाब से अच्छी थी। एंड देन वापस लेडीज वेयर, लेडीज़ों के बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल थे कि ज्वेलरीज के लिए। एंड लास्ट में एक ये था रेडीमेड मंचूरियन मसाला हैदराबादी, और बहुत सारी चीज़ों से बना सकते हैं। एक कॉटन बेडशीट थी, बट ये इसका कपड़ा मुझे कुछ खास समझ नहीं आया। ये गॉगल्स वगैरह लोकल ही थे सब। ठीक था, हम लोग ऐसे ट्राई कर करके देख रहे थे, आदत पड़ जाती है ऐसी चीज़ों को देख देख के, अच्छा लगता है। बाकी ओवरऑल तो सब ठीक था। यहाँ अगर आप आओ तो एक मसाला, रेडीमेड मसाला या फिर अचार, ये दो चीज़ें होती हैं देखने के लिए। अगर आप हर टाइप का अचार घर में डाल नहीं सकते हैं, एक या दो टाइप का, और वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी मिलती है, तो अच्छा है अगर आपको यहाँ पे टेस्ट करना हो तो। ओवरऑल ठीक ठाक सब चीज़ें थी। और यहाँ ये कुछ बना के बता रहे थे जो इनके पास मसाला था, पकोड़े बना के बता रहे थे। एक्चुअली इसको सिर्फ ने पूछा क्या करना है, तो उन्होंने बताया सिर्फ इसको मिक्स करना है, उसमें वेजिटेबल्स डालना है एंड देन फ्राई करना है, तो वही बता रहे थे कि। और मसाला इनका खुद का है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इनकी खुद की है, कोई अलग कंपनी नहीं है। सो जस्ट वही पूछ रहे थे, और मैं देख रही थी कि क्या कर रहे हैं एक्चुअल में। तो बस वो मसाला पानी और उन्हें कुछ वेजिटेबल्स लिए, मशरूम्स वगैरह कॉर्न वगैरह डाले एंड देन उसको फ्राई कर दिया। अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट पता नहीं है कि मसाला ये हेल्दी होता है कि नहीं। मार्केट में ऐसे भी अलग अलग कंपनीज के रहते ही हैं कि आप मिक्स करो एंड देन पकोड़े वगैरह जो बनाना है आपको बनाओ। उनके पास बहुत सारे थे पकोड़े बनाने के लिए और सब्जी के लिए। ये ना सूरत में अपना मैन्युफैक्चरर हर कोई खोलना चाहता है, हर कोई अपना मैन्युफैक्चर करना चाहता है हर चीज़ का, बड़े वो क्लॉथ का हो, मसालों का हो, पर्सनलाइज होता है सबका। ऑफ कोर्स सूरत इज़ अ बिजनेस सिटी है, यहाँ पे हर कोई बिजनेस करना पसंद करता है। तो जस्ट देख रही थी क्या हो रहा है क्या नहीं। फाइनली मैंने भी एक पैकेट ले ही लिया ट्राई के लिए कि देखते हैं क्या होता है कैसा है। मैं उनकी कंसिस्टेंसी देख रही थी कि इतने से मसाले में उन्होंने क्या और कैसे बनाया है, और ये फूलता है कि नहीं। क्योंकि नॉर्मली जो हम पकौड़े बनाते हैं उसमें बेसन डालते हैं, और वो अच्छा खासा, अगर बेसन को थोड़ी देर गला के रखो तो पकोड़े अच्छे फूल जाते हैं। और ना उसी समय बनाया और ठीक था, मतलब अब घर लेकर आई हूँ तो एक बार ट्राई जरूर करूँगी कि क्या था। बेटा बेटा पापा तेरा पापा। चलें तो फिर आगे देख लेते हैं क्या था। बस इतने ही सब कुछ था यहाँ पे। आगे शायद मैंने एक पिकल्स लिए थे, अचार लिए थे, और कुछ ब्लॉक खाली थे जहाँ पे कुछ शॉप नहीं थी। मैं भी शायद यहाँ पे बारिश हो गई हो इसलिए हटाना पड़ा हो, तो सूरत में आज बहुत तेज़ बारिश हुई और मौसम भी एकदम चेंज हो गया। यस, ये मैं पिकल्स का बोल रही थी। यहाँ बहुत सारी वैरायटी मिलती है अलग अलग, लहसुन की, और ड्राई फ्रूट का भी एक अचार मिलता है, आंवले का मुरब्बा, खट्टा मीठा, और चटनीज मिलती है, ग्रीन ओनियन चटनीज, पुदीने की चटनी, हरी मिर्ची की, तीखी वाली, लाल वाली, ये लहसुन का अचार था।
और आम के लिए भी कम से कम इनके पास 3 से 4 वैरायटी थी अचार की, वो राजस्थानी अचार, यूपी वाला अचार एंड देन नॉर्मल अचार, बहुत सारा था। अगर आप इधर जाते हैं तो अचार का फ्लेवर टेस्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ी क्वांटिटी, क्योंकि मैं भी हो सकता है कि ये खुला रहता हो और ज़्यादा टाइम तक तो ख़राब हो सकता है। मैंने ड्राई फ्रूट्स वाला अचार लिया, टेस्ट ठीक था। और पूछा भी था कि एक्चुअली इसमें शुगर मिलाते हैं कि गुड़, तो ने कहा गुड़ मिला के बनाते हैं, तो ओवरऑल तो अच्छा ही था। बेटा बेटा इसके पहले मैं लहसुन का लेके गई थी, थोड़ी क्वांटिटी लेते हैं, बस यहाँ हो गया था, हम लोगों ने सब देख लिया था एंड देन हम वापस रिटर्न जा रहे थे। वो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी इसलिए हम रुके हुए थे कि थोड़ा टाइम हम रुक जाए तो अच्छा है, एंड देन हम वापस आ गए थे। ये मुझे एक्चुअली यहाँ से पॉट ये लेने थे, क्रेमिक पॉट लेने थे, कुछ मुझे छोटे छोटे पौधे रहते हैं वो लगाने थे, परंतु बारिश इतनी हो रही थी कि बाहर देख ही नहीं पा रहे थे, और जो शॉप वाले थे वो भी पता नहीं कहाँ थे।